और यदि वह परीक्षा के बहाने अपने जिले में अगर उनकी पोस्टिंग हो रही है तो उनको हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। दो धरों में बंटने की कोई जरूरत नहीं है। जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो भी हमारे हैं, जो नहीं दिए हैं वो भी हमारे हैं। बिहार में जो सबसे बड़ा संगठन अगर किसी संवर्ग का अगर कोई संगठन है तो वह शिक्षकों का संवर्ग है। दूसरे किसी भी कर्मचारी संगठन से सरकार नहीं घबराती है मेरे भाई। अगर सरकार घबराती है, डरती है तो केवल और केवल शिक्षकों के संगठन से, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा समूह है। तो सरकार यह चाह रही है कि इस समूह को हम खंड खंड में बांट लें। बिहार के अपने तमाम शिक्षक साथियों से यह कहना चाहते हैं कि आप सभी इसको दो धरों में बंटने की कोई जरूरत नहीं है। सभी शिक्षक हैं, सरकार की यह चाल है, इस चाल को हमारे सभी साथी पहचानिए, इसको समझना पड़ेगा। हम आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के हम आग्रह करते हैं कि आप लोग इस तरीके से आपस में सोशल मीडिया पर यह विवाद न करें। कुछ लोग यह लिख देते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा दे दिए वो गद्दार हैं, जो दे दिए हैं वह कह देते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं वो कायर हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं मेरे भाई बंधु, मेरे तमाम शिक्षक भाइयों बहनों, न कोई गद्दार है और न कोई कायर है। परिस्थितियों के कारण हर कोई सब अपना निर्णय लिया। जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में जिन्होंने परीक्षा इसलिए दी क्योंकि वे अपने घरों से बहुत दूर पदस्थापित थे और वो चाहते थे कि इसी परीक्षा के बहाने उनको गृह जिला आवंटित हो जाए, घर के पास वो चले आए, और यदि वह परीक्षा के बहाने अपने जिले में अगर उनकी पोस्टिंग हो रही है तो उनको हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। तो अगर किसी का जीवन खुशहाल नहीं था, घर से बहुत दूर थे, और इसके कारण अगर इसी के माध्यम से अगर उनके जीवन में खुशहाली आ जाए तो निश्चित रूप से जिन्होंने परीक्षा दी है हम इनका कभी विरोध नहीं करेंगे। हम इसके लिए उनको हम बधाई देंगे। हम शिक्षक नेतृत्व करता कोई संगठन कोई क्या चाहता है, शिक्षक तो यही, हम संगठन तो यही चाहता है कि शिक्षकों के जीवन में खुशहाली लाया जाए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो लोग भी दूर दराज के हैं वो अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए उनके शामिल होने के लिए हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो लोग बिना किसी कारण के परीक्षा का फॉर्म भर दिए उनके अंदर भय था, उसका कारण था भय। वो डरे हुए थे कि हमारी कहीं नौकरी नहीं चली जाए, उनको लगता था कहीं हमारा वेतन बंद नहीं हो जाए। उनके अंदर जो भय का माहौल था, डर का माहौल था, उनमें हम कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सके। यह संगठन विफल रहा, हम नेतृत्वकर्ता विफल रहे, इस विफलता की जिम्मेवारी हम लेते हैं। इसलिए हम किसी को गद्दार नहीं कह सकते, हमारे सभी भाई बंधु हैं। फिर सभी लोग निर्णय करेंगे कि इनको योगदान करना है कि नहीं करना है। इसलिए तमाम हमारे जो साथी हैं, जो परीक्षा में शामिल हुए वो भी, जो शामिल नहीं हुए वो भी, सभी हमारे हैं, हम उनके हैं, और सभी लोग संगठन में एकजुट रहें। नहीं तो फिर से एक गिरोह बनेगा, सक्षमता उत्तीर्ण गिरोह, सक्षमता अनुत्तीर्ण गिरोह, तो ये गिरोह बनेगा, अलग अलग गुट बनेगा, और सरकार तो यही चाह रही है। तो ये तो परीक्षा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार हो गए। हम उनको गद्दार कभी नहीं कह सकते हैं, परिस्थितियों के कारण उन्होंने दिया, इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे तमाम नेतृत्वकर्ता साथी इस बात को महसूस करिए कि इसके लिए जिम्मेवार हम नेतृत्वकर्ता है कि उन्होंने फॉर्म भरा है, उसके लिए वो शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। जैसे एक कंसेप्ट है, टीचर्स स्टूडेंट्स डू नॉट फेल टीचर्स फेल, बच्चा फेल नहीं करता है बल्कि शिक्षक फेल कर जाते हैं। उसी प्रकार से जो शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए उनके शामिल होने के लिए हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो लोग बिना किसी कारण के परीक्षा का फॉर्म भर दिए उनके अंदर भय था, उसका कारण था भय। वो डरे हुए थे कि हमारी कहीं नौकरी नहीं चली जाए, उनको लगता था कहीं हमारा वेतन बंद नहीं हो जाए। उनके अंदर जो भय का माहौल था, डर का माहौल था, उनमें हम कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सके। इस तरीके से किसी साथी को बटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरा करवध अनुरोध है कि जिन लोगों की पोस्टिंग गृह जिले में हो गई है और घर से अगर बहुत दूर पदस्थापित थे वो योगदान करें, उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। उनके जीवन में इसी के माध्यम से खुशहाली आ रही है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं और उनको राज्यकर्मी बनने की बात है, परिणाम आपके सामने आ चुका हुआ है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आप परीक्षा दें तब भी, परीक्षा न दें तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। इसलिए अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो शिक्षक रिटायरमेंट के एज में है वह परीक्षा तो नहीं देगा, अब दो साल के लिए उनको क्या राज्यकर्मी मिल जाएगा, तो क्या भारत रत्न तो नहीं मिल जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को अब कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से आप मुक्त हो गए हैं। और अब बेहतरी के लिए हम लोग परीक्षा दें नहीं दें क्या करें, इस पर हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ विधिवेताओं से राय मशविरा कर रहे हैं। इसलिए तमाम साथी एकजुटता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, और सोशल मीडिया पर कम से कम आप सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ
ना आप किसी को गद्दार कहिए, ना कोई किसी को कायर कहे, आप सभी भाई बंधु हैं, सभी अपने बंधु बांधवों को मैं परीक्षा में जिनको नजदीक मिल गया उनको बधाई, और जो लोग परीक्षा का फॉर्म भर दिए अपना सहूलियत देखते हुए उसके हिसाब से निर्णय करें।